हेलो ऑल स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम श्रीमती हेमी गुप्ता है और मैं मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर तहसील डबरा में ADPO के पद पर पदस्थ हूँ। मेरी प्रतिभा मैडम से बात हुई थी और उनका कहना था कि अगर MP ADPO की चुकी वैकेंसी आ चुकी है तो कुछ टिप्स या कोई गाइडलाइन अगर आप देना उचित समझें तो काफ़ी ठीक रहेगा। तो इसी अकॉर्डिंग मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बनाकर भेज रही हूँ, जिससे कि आप लोग कुछ छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिनमें एक ऐसा कैंडिडेट जो वास्तव में सीट को डिज़र्व करता है लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियों से वो बाहर हो जाता है या बॉर्डर लाइन पर आ जाता है, तो आप कोशिश करें उनसे बचने की। अगर आपको मेरी जो टिप्स हैं अगर ओके लगें तो आप उन्हें ज़रूर फॉलो करें। देखिए, सबसे पहले तो जो MP ADPO की जो वैकेंसी आई हुई है इसमें इस बार भी नेगेटिव मार्किंग आई हुई है 2008, 2009 और 2010। उसके बाद 2015 का भी एग्ज़ाम हुआ था लेकिन उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अभी जो लेटेस्ट में एग्ज़ाम है इसमें फिर से नेगेटिव मार्किंग आई है और ये उन सारे कैंडिडेट्स के लिए प्लस पॉइंट है जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और इसमें ख़ास बात जो नया जोड़ दिया गया है वो उसमें GS का पेपर जोड़ दिया गया है जो 150 नंबर का है, और यही 150 नंबर का जो पेपर है यही टर्निंग पॉइंट है, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्योंकि 150 का जो GS है, GS की कोई लिमिट नहीं होती, आप सभी लोग जानते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी आ सकता है। लॉ का पेपर भी है लेकिन अगर सिलेक्शन दिलाएगा तो ये 150 का ही दिलाएगा, इसलिए आप लॉ के साथ साथ जो GS का पेपर है इसको भी आप विशेष रूप से अच्छा तैयार करने की कोशिश। जहाँ तक है नेगेटिव मार्किंग का, देखिए नेगेटिव मार्किंग में अगर आपको नेगेटिव मार्किंग के पेपर में सक्सेस होना है तो केवल आप उन्हीं क्वेश्चनों को टच करिएगा जो आपको 101% आप श्योर हो कि यही आंसर है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का सबसे एकमात्र पंडा यही होता है कि आप उसी क्वेश्चन को टच करें जो आपको 101% श्योर होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ क्वेश्चनों में आपको डाउट है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, चार ऑप्शन में से ये दो तो हो ही नहीं सकते, कि आप ही कह मान के चलिए कि ये हैं ही नहीं, और दो क्वेश्चनों में अगर आपको ऐसा लगता है तो अगर आपको उचित लगे तो मैं आपको एडवाइज़ नहीं करूँगी, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप रिस्क ले सकते हैं क्योंकि 3-1 ही मार्किंग है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं और आपको ऐसा लगता है मैं कंफर्ट जोन में हूँ और मैं इतने क्वेश्चन मेरे बहुत सही हैं और अगर मैं 1 या 2, 3, 4 क्वेश्चन की रिस्क ले सकता हूँ तो आप उन क्वेश्चनों को टच करिएगा जिनमें आपको श्योर पता है कि इनके दो आंसर तो हैं ही नहीं। लेकिन मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगी, मैं आपको यही बोलूँगी जिन क्वेश्चनों में आप 100% श्योर हो कि बस इसका आंसर ये है, इसके अलावा और कोई नहीं, केवल वही क्वेश्चन को आप टच करिएगा। क्योंकि मैंने तो नेगेटिव मार्किंग में यही किया था कि जिस क्वेश्चन में मैं श्योर थी कि नहीं बस यही इसका आंसर है, इसके अलावा मैंने किसी क्वेश्चन को टच नहीं किया था। यहाँ तक कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मुझे ये भी लग रहा था कि इनकी तीन ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ये फोर्थ ही होगा, मैंने उस क्वेश्चन को भी टच नहीं किया था क्योंकि मुझे मालूम थी कि अगर एक क्वेश्चन भी मेरा एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन का मैं रिस्क लूँगी तो मैं जो मेरी रैंकिंग है जो मेरा जो अपना रैंकिंग बनता है उसमें बहुत नीचे आ जाऊँगी मैं, और फिर मैं फिर वही इंटरव्यू पर डिपेंड हो जाऊँगी और इंटरव्यू में हो सकता है कि इंटरव्यू की स्थिति तो किसी को भी नहीं पता रहती, आपका किस बोर्ड में पड़ेगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा उस दिन, आपकी तबीयत कैसी रहेगी, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। अब जो मुख्य बात है जो मैं आपको नेगेटिव मार्किंग की बात बता चुकी हूँ, अब उसके बाद आती है जो मुझे पर्सनली लगी। क्या रहता है, आपने सभी लोगों ने देखा होगा जो फ्रेशर हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो एक या दो एग्ज़ाम दे चुके हैं या चार एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनका अगर किन्हीं कारणों से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो हम ये सोचते हैं कि आखिर क्या है, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो आप जब पेपर दे के बाहर निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि उस वक्त तो ऐसा लगता है कि हमारे सारे क्वेश्चन सही हैं, हम जो करके आए हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब क्वेश्चन के जब हम सेंटर से बाहर निकलते हैं तो वो 100 के 90 रह जाते हैं, घर आते आते रास्ते में 85 रह जाते हैं, घर आते आते वो 70 पे आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको देख के लगता होगा अरे यार मैंने तो ये पढ़ा था, पता नहीं कितना मूर्ख हूँ, मैंने आंसर कैसे लगा दिया, ओ गॉड। और आपको अच्छी तरह से पता है 1 या 2 क्वेश्चन गलत करने का मतलब है आप जो रैंकिंग है जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आप बहुत नीचे आ जाएंगे,
क्योंकि आज एक एक नंबर पर 10-10, 20-20 कैंडिडेट स्टैंड रहता है। तो अब हमारे पास एक गलती ना हो उसके लिए हम करेंगे। देखिए, तैयारी करना एक अलग चीज़ होती है, उसको परफॉर्मेंस करना दूसरी चीज़ होती है। आपने बहुत सारे कैंडिडेट्स देखे होंगे जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं और ऐसा लगता है कि अरे इसका सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता, लेकिन कभी कभी वो कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हो पाते। और मेरे साथ के बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बहुत ब्रिलियंट थे और ऐसा लगता था कि उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन आज की डेट में भी वो सिलेक्ट नहीं है, या तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं या अनदर कोई और वर्क कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो कमी है, और वो मुझे पर्सनली लगता है कि तैयारी करने के साथ साथ क्या होता है, परफॉर्मेंस करना होता है। एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है, 1 घंटे का होता है, 3 घंटे का होता है। आपने कितनी अच्छी तैयारी करी ये एक अलग दिशा होती है, लेकिन हमने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया ये दूसरी बात होती है। 3 घंटे एग्ज़ाम हॉल, उसका प्रेशर, क्वेश्चन को समय, अगर आप वहाँ हम समय गंवा नहीं सकते। घर के अंदर क्या होता है, 4 दीवारी होती है, टेंशन नहीं होती, आराम से तैयारी करो, क्वेश्चन नहीं आ रहा 4 बार पढ़ लो। वहाँ तो हमको 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है और उसका रिप्लाई भी करना है। अब क्या होता है, एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर में हमें अपने माइंड को सेट करना है। 2 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, 1 घंटे का हो, एग्ज़ाम हॉल को प्रेशर करने के बाद उसके एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर होता है माइंड पर, उसको कैसे मेंटेन करना है, और हमें वहाँ एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना है। यानी कि तैयारी करने के साथ साथ परफॉर्मेंस देना कंपलसरी है। अगर आप तैयारी कर ली लेकिन अगर परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, आप कितने भी ब्रिलियंट बने रहिए, कुछ नहीं होने वाला। आप हम अब इसमें एक चीज़ और होती है, देखिए क्या रहता है, जब कोई इजी क्वेश्चन हम पे गलत हो जाता है, मान के चलिए हमने कोई भी एग्ज़ाम दिया और बहुत इजी क्वेश्चन आया, मान के चलिए आपने बेलेवल ऑफेंस की डेफिनेशन आई और हमारी जगह हमने उसकी आंसर 2A में है, पता नहीं दिमाग में उस समय क्या हुआ और हमने 2D लगा दिया, सपोज दैट, मान के चलिए। अब ये क्वेश्चन कैसा है, बहुत ईजी है ये, तो वो कैंडिडेट भी लगा देगा इसका आंसर 2D, तो 2A तो वो भी लगा देगा जो शायद इतनी तैयारी स्टार्ट भी ना की हो, छोटा मोटा पढ़ के आया वो, हाँ चलो ठीक है आज देख के आते हैं, कंपटीशन होता तो कैसा है, ठीक है। लेकिन आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, और गलती कहाँ पर हुई, आप पर बेलेवल ऑफेंस की 2A और 2D में, यही डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन या सिलेक्शन से आउट। तो अब ये गलतियाँ आप सबसे हुई होंगी, जो भी कैंडिडेट कंपटीशन दे रहे हैं कंटिन्यू, वो ये समझ रहे होंगे कि हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम पर गलत हो जाते हैं, और बाद में हम सोचते भी हैं अरे गलत कैसे हो गया यार, मैंने समझ क्यों नहीं पाया यार ये, अरे यार ये तो गलत हो गया। तो ये इस चीज़ से आप, इस गलती से बचने के लिए एक ही तरीका है, घर में रहिए, टाइम सेट करिए, कोशिश करिए आप अपने लिए कोई कि हमको 100 क्वेश्चन है, जैसे वहाँ कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 450 क्वेश्चन आ रहे हैं, 300+150 450 आ रहे हैं, आप डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 3 घंटे एक साथ बैठना संभव नहीं है घर के अंदर। तो अपन 450 क्वेश्चनों को डिवाइड करिए, 1 घंटा लीजिए और 1 घंटे में क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, और आप खुद देखिए कि आप पर कितनी गलतियाँ होती हैं, कैसी गलतियाँ होती हैं, और आपको समय मिलेगा कि नहीं बस केवल 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन या 95 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इससे आप एग्ज़ाम हॉल का एटमोसफियर तो नहीं बन पाएगा, लेकिन ये है कि आप कुछ हद तक करीब पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपका है जो मैंने किया था, क्या रहता है, हम जैसे हम जब हमने कंपटीशन दिया था तब उसमें एमपी एडीपीओ में केवल 16 सब्जेक्ट थे, यानी 16, वो भी पहली बार आए थे, उसके पहले शायद 7 या 8 थे, लेकिन जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो एमपीपीएससी ने उसमें 16 क्वेश्चन कर दिए थे। अभी लेटेस्ट में 29 सब्जेक्ट हैं, और 29 सब्जेक्ट बहुत होते हैं, हालांकि माइनर तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन सबको याद करना, कैप्चर करना बहुत बहुत डिफरेंट होता है और बहुत मुश्किल भी होता है। तो अपन उसको रिवाइज़ कैसे करें, तो मैं क्या करती थी रिवाइज़, अब जैसे अपना पढ़ने का टाइम हुआ, पूरे दिन अपन पढ़ेंगे, सीधी सी बात है 29 सब्जेक्ट हैं तो पूरे दिन पढ़ना ही पड़ेगा। अब क्या होता था, मैं क्या करती थी, अब रिवाइज़ करने में समय वेस्ट होता था, तो मैंने उसके लिए एक नया तरीका निकाला। मैंने उसके लिए तरीका क्या निकाला, मैं अपने रिवाइज़ के समय को बचाती थी। तो जैसे हम खाना खा रहे हैं तो दिमाग में क्वेश्चन रिवाइज़ हो रहा है, कोई सी भी एक्ट ले लिया और उसको रिवाइज़ कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन 1 में ये है, क्वेश्चन 2 में ये है, धारा 1 में ये है, धारा 2 में ये है, धारा 3 में ये है, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं, अगर गाड़ी पे जा रहे हो तो इसको ट्राई मत करिएगा, लेकिन अगर अपन पैदल जा रहे हैं तो अपन आराम से कोई भी एक्ट उठा लीजिए, आर्म्स या NDPS कुछ भी, और अपन अच्छा धारा 1 में ये है, धारा 2 में ये है, अब भूल गए तो उसको वहीं नोट कर लीजिए, घर आके देख लीजिए, या वहीं पर बेयर एक्ट है तो वहीं देख लीजिए अपन कहाँ भूल गए। तो मैं ऐसे समय को बचाती थी, ये खाना बना रही हूँ तो मैं, मतलब इस तरह से मैंने अपने समय को बचाया रिवाइज़ करने का। कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उस समय उस वर्क में को तो वो वक्त तो हो ही जाएगा, लेकिन रिवाइज़ का हमारा समय बच जाएगा, जब हम पढ़ने बैठेंगे तो हमको रिवाइज़ नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा
जीएस मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आप बेहतर तैयारी करिएगा, और जीएस का कोई डिसाइड तो है नहीं, और ये इसी पेपर में, ये जो जीएस का पेपर आप लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट रहेगा। आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करके सिलेक्ट होइए, और जो भी बेयर एक्ट आए हैं उनको बहुत अच्छी स्टडी करिए, जिससे कि आप लोगों को ये पता लगे कि नहीं भाई हम लोगों को कैसे तैयारी करनी है। बाकी आप लोग अपने, चूँकि कॉम्पिटिटर्स हैं, खुद ही इतने समझदार हैं। और अब जैसे जिन कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, अब बात आ जाती है इंटरव्यू की। एमपी में पहले तो दो बोर्ड बैठते थे, और उसके बाद कुछ समय के लिए तीन बोर्ड भी किए गए थे, लेकिन अभी भी हो सकता है शायद दो ही बोर्ड बैठे हैं, और हो सकता है तीन बोर्ड बैठे। देखिए, मैंने तो पर्सनली ये ऑब्ज़र्व किया कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाएं कि जैसे हम भगवान के पास मंदिर में जाते हैं, तो हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं ना, भगवान प्लीज़ दे दो, और हमें तो कुछ भी नहीं आता और आप ही को सब आता है। तो ये तो मान के चलिए कि जो बोर्ड बैठता है इंटरव्यू के लिए, वो उसे बोर्ड में एक चेयरमैन भी होता है, हो सकता है उसे लॉ की नॉलेज हो, पर मेरा अपना मानना है कि बोर्ड में उसी व्यक्ति को बिठाया जाता है जिसे लॉ की नॉलेज होती है, चाहे वो कम हो ज़्यादा हो, उससे अपन को मतलब इसलिए नहीं है, क्योंकि जो सामने हमको सिलेक्ट करने के लिए बैठा है वो इंटेलिजेंट है, उसके पास सारी बुक्स वगैरह होती हैं। और मेरा पर्सनल अनुभव ये रहा है कि शायद उनके पास अपने जो क्वेश्चन, अपने जो मेरिट बनती है उसकी लिस्ट भी रहती है। ऐसा मेरा पर्सनल मतलब मेरा पर्सनल कहना चाहिए ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने छः इंटरव्यू, मेरा ये जो सिलेक्शन हुआ था वो सिक्स इंटरव्यू, छठवें इंटरव्यू में हुआ था। उसके पहले मैं तीन ADPO के इंटरव्यू दे चुकी थी, और दो मैंने सिविल जज के इंटरव्यू दिए थे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन मेरा किसी में नहीं हो पाया था। और मेरे जो इंटरव्यू की मार्किंग थी वो हमेशा बेस्ट रहती थी, बहुत अच्छी इंटरव्यू की मार्किंग, यहाँ तक कि जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ 2010 बैच की मैं पास आउट हूँ, इसमें भी मुझे 50 में से 29, मतलब 50 में से 29 नंबर मुझे मिले थे। इसके पहले मेरी वेटिंग थी दो, उसमें भी मुझे एक में 25 थे और एक में मेरे 23 थे। इंटरव्यू में मुझे बहुत अच्छी मार्किंग मिलती थी, लेकिन मेरा शायद, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शायद मेंस में नंबर कम रह जाते थे, एक दो तीन नंबर कम रह गए, तो उसमें आप तो समझ लीजिए अगर आपका एक या दो नंबर भी कम है तो आप सिलेक्शन के बाहर हैं। अब बात आती है, अरे अब मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। 2009 में और 2008 में तो मेरी वेटिंग 16 थी, लेकिन 2009 में जब मेरी वेटिंग थी तो मेरी फोर्थ वेटिंग थी, और आप विश्वास नहीं करेंगे, फोर्थ वेटिंग में भी मेरे जो नंबर थे और जो फर्स्ट वेटिंग वाले के नंबर थे, हम चारों के नंबर सेम थे उस वक्त मुझे। और जो लास्ट जो गर्ल सिलेक्ट हुई थी या लास्ट जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ था उसके भी सेम नंबर थे, मतलब जो लास्ट में कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहा है उसके भी सेम नंबर थे, फर्स्ट वेटिंग वाले, सेकंड वेटिंग, थर्ड वेटिंग, फोर्थ वेटिंग, हम सबके सेम नंबर थे। तो आप सोचिए, ये मैं आपको कब की बता रही हूँ, 2010 में मेरा सिलेक्शन हुआ, मतलब 2012 में हमारी ज्वाइनिंग है, तो अब 2010 की वैकेंसी थी। आज कितना समय निकल गया, लगभग 10 साल हो गए। तो आप ये मान के चलिए आज की डेट में कॉम्पिटिशन कितना टफ हो गया। तो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और 50 नंबर तो बहुत होते हैं। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, कोई सा भी बोर्ड मिले, घबराने की तो पहले बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंटरव्यू हुआ है वो ये देख चुके हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं, और आपको एज अ लॉ आपको बहुत कुछ आता है, वो केवल आपको पर्सनैलिटी चेक करने के लिए आपको इंटरव्यू ले रहे हैं कि भाई इनको ये पोस्ट दी जाती है तो ये वहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। तो आप जब इंटरव्यू के लिए वहाँ जाएं, तो आप इस चीज़ के लिए, इस तरीके से तैयार होकर जाएं कि भाई आप ही ईश्वर हैं और आपको सब आता है, बस हमें तो कुछ नहीं आता, बस हम तो आपके सामने आए हैं, और बस, और वहाँ पर जाकर बस आपको ये अपना परफॉर्मेंस देना है। वहाँ इंटेलिजेंस ही नहीं बतानी है आपको कि भाई मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, और ये सब मत करिएगा वहाँ पर, क्योंकि अगर वहाँ देखिए, हर किसी का ईगो होता है, वो सामने वाले आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, और अगर हमसे ऐसी कोई गलती हो गई जिससे उनका ईगो हर्ट हुआ, तो ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब वहाँ पर जाइए, वो आपकी इंटेलिजेंस ही बहुत चेक कर चुके हैं, आप इंटेलिजेंट है तभी आप उस इंटरव्यू की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये मान कर चलिए, ठीक है ना। तो अपन को ये नहीं करना है कि वहाँ पर जाके ये बताना है कि भाई मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और ऐसा वैसा, जनरल से वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, जनरल से आपको जवाब दे देने हैं, नहीं आता है सॉरी बोल देना है बस। वहाँ जाके आप, मैंने कुछ कैंडिडेट्स देखे हैं जो वहाँ जाके क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं,
जब हम लोग इंटरव्यू मैं पहला मेरा इंटरव्यू था जब मैं हम लोग बाहर खड़े रहते थे कि यार क्वेश्चन पहली बार नोट करते थे आके कि अरे भाई क्या क्या पूछा गया। ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है क्योंकि वो सब वो भी जानते हैं कि बाहर क्वेश्चन लड़के खड़े रहते हैं क्वेश्चंस लिखते हैं। उस समय पहली बार जब इंटरव्यू देने गई ना मेरा टाइम बहुत वेस्ट हुआ था बेवजह। मैं मेरा साथ 7वें 8वें दिन इंटरव्यू था जब मैं पहली बार सिविल जज का इंटरव्यू देने गई थी 2007 में। तो 7 या 8 दिन बाद मेरा इंटरव्यू था मैं पहले ही पहुँच गई 6-10 दिन पहले और वहाँ जाके डेली जाके मैं क्वेश्चन नोट करती थी। अच्छा ये पूछा गया, अच्छा ये पूछा गया। और जब मैं इंटरव्यू देने गई तो मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। फालतू में सारे 7-8 दिन बर्बाद हो गए वहाँ बैठ के। तो मुझे लगा कि बेकार है, अपनी तैयारी चाहिए, रिलैक्स होके चाहिए, पूछेंगे वही जो आपको आता है, बस अपने को वहाँ परफॉर्मेंस अच्छा देना है। कि बस आपको वहाँ ये समझना है कि वो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ना वो किस क्यों पूछ रहे हैं। मतलब ये तो आप ही मान के चलिए कि वो ये तो उन्होंने देख लिया कि आप बहुत अच्छे इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर लीगल में आपसे अगर वो कहना चाहिए फेस टू फेस अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को पूछने का रीज़न क्या है, बस ये ज़रूर वहाँ पे 1 सेकंड के लिए क्लिक करिएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसके पीछे रीज़न क्या होगा। 10 सेकंड 2-4 सेकंड 5 सेकंड का पॉज लेके मतलब पॉज लेने से इन द सेंस कि उनके सामने उनको शो नहीं करना कि हमने पॉज लिया है, अपने माइंड में ही पॉज लेना है और ये सोचना है कि ये क्वेश्चन इन्होंने क्यों पूछा हमसे। बस उसको सोच समझ के जवाब देना है। और अगर वो उस पर से अगर मान के चलिए क्रॉस क्वेश्चन हो जाता है आपसे, क्रॉस क्वेश्चन अगर हो जाता है तो भी आप सोचिए, बहसबाजी मत करिएगा कि अरे ऐसा क्यों वैसा क्यों होता है। वहाँ क्या हो जाता है जब अपन एग्ज़ाम सॉरी इंटरव्यू रूम में होते हैं ना तो अपन को ऐसा लगता है कि नहीं अपन ना अपन को ये बता के जाएँ कि अपन इंटेलिजेंट है, वहाँ ये सब मत करिएगा। बिल्कुल जाइए, रिलैक्स होकर इंटरव्यू दीजिए, बढ़िया इंटरव्यू दे के बाहर आइए, हेलो बोलिए, बाय करिए, जो भी आपको जिस हिसाब से भी करना है, और स्माइल रखिए और वहाँ अननोन बन के रहिए कि आपको कुछ नहीं आता, भगवान हो आप मैंने, प्लीज़ आप हमारा सिलेक्शन कर लीजिए। मुझे पर्सनली यही लगता है, मैं 6 इंटरव्यू दे चुकी हूँ, 6वें इंटरव्यू में सिलेक्शन था मेरा, 5 इंटरव्यू इससे पहले दे चुकी थी और मैंने अभी तक ईश्वर की दया से मेरा एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि मेरा जो प्री मेंस क्रैक ना हुआ हो। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट से ही 2007 की मैं लॉ पास आउट हूँ, 2007 का फर्स्ट ही मैंने सिविल जज का इंटरव्यू दिया था प्री मेंस क्लियर करके, और शायद उस वक्त मेरा सिलेक्शन हो जाता, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन आज मुझे लगता है कि छोटी छोटी सी गलतियों से मैं बाहर हो गई क्योंकि मेरे नंबर उस वक्त भी बहुत अच्छे थे। लास्ट कट ऑफ 126 था और मेरे टोटल 120 थे, 6 नंबर से मैं रह गई थी फर्स्ट में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कुछ गलतियाँ मुझ पर नहीं होती जो मैंने आज मुझे लगता है कि मुझ पर हो गई तो उसी समय मेरा सिलेक्शन हो जाता। पर चलिए ठीक है, कुछ नहीं है, कोई चीज़ हो जाती है वो नहीं पलट कर आती, तो हमें ऐसा कोशिश करना है कि हम दूसरों की गलतियों से सीखें। ब्रीफ में मैं आपको सिर्फ अब फटाफट से 1 मिनट में बस मैं आपको इतना ही बोलना चाहती हूँ, आप दूसरों की गलतियों से सीखिए, खुद गलतियाँ ना करें, क्योंकि खुद गलती करेंगे तो मेरे जैसी स्थिति हो जाएगी कि हम 5वें या 6वें इंटरव्यू में सिलेक्शन लेंगे। हालांकि अच्छा है आप एग्जाम क्रैक कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन सिलेक्शन इज़ अ मस्ट कंपलसरी। आप अगर सिलेक्ट हैं दुनिया आपको सलाम करेगी, लेकिन आप सिलेक्ट नहीं हैं तो आप चाहे कितने भी एग्ज़ाम क्रैक कर लीजिए, अच्छे कैंडिडेट हैं मानती हूँ, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो आप बस नेगेटिव मार्किंग है MPA DPO में, बहुत अच्छा चांस है, इसको यूज़ करें। दूसरा आपका आप रिवाइज पे ध्यान रखें, मैंने अपना तरीका बता दिया, अगर आपको ये ठीक लगे तो ये करिए, नहीं तो अपना रिवाइज का तरीका अपनाइए, लेकिन रिवाइज का समय बचाइए। तीसरा आपका यह है कि तैयारी के साथ परफॉर्मेंस देना बहुत ज़रूरी है। आपकी तैयारी अच्छी है लेकिन आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाए कोई मतलब नहीं है। और GS इस वाले एग्ज़ाम में जो MPA DPO का 2021 का ये एग्ज़ाम है इसमें GS टर्निंग पॉइंट रहेगा। तो मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप लोग बहुत अच्छी मेहनत करके सिलेक्ट हों। थैंक यू।